अंबाला नगर निगम में पहली बार मेयर पद के सीधे होने वाले चुनाव में जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने भारतीय किसान पार्टी की डॉक्टर वंदना शर्मा को हराकर मेयर की सीट हासिल कर ली। नगर निगम में मेयर पद के लिए प्रत्याशी 101 पार्षद पद के लिए लोगों ने चुनाव लड़े थे, जिसमें सीधे तौर पर मेयर के मुकाबले में जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की वंदना शर्मा को 7,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत हासिल की। इसी के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद, हरियाणा जनशक्ति पार्टी के 7 पार्षद, कांग्रेस के 3 पार्षद और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद इन चुनाव में जीत हासिल कर पाए। अभी 13वां राउंड चल रहा था कि अपनी हार स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा मतगणना केंद्र से बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि हार जीत तो एक की ही होनी है, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में मेहनत बहुत की। दो होते हैं, एक विनर होता है, एक लूजर होता है। आई एम लूजर, नेवर माइंड। कारण सब समीक्षा करेंगे, फिर पता चलेगा। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं कैसे बताऊं पर्टिकुलर। भीतर घात हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, मुझे कुछ नहीं। कुछ तो असर होगा, इस सब बातों का असर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही हरियाणा जनशक्ति पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के विजयी होने की घोषणा हुई तो उनके पति एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा बाहर आए और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लोगों ने उनमें और उनकी पार्टी में विश्वास जताया है और उन्होंने अंबाला शहर की जनता से भी जो वादे किए हैं उसको वो पूरा करके दिखाएंगे। आप सबको मुबारक। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। लगभग 9,000 से अभी 2 राउंड बाकी हैं, 7,500 से ऊपर लीड चल रही है। सर, किस तरह का बदलाव आप अंबाला में लेकर आएंगे, क्या कुछ प्लानिंग है? जो कुछ भी हमने वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। आईएमटी को लेकर किस तरीके के जो है वो? आईएमटी में मेरा संघर्ष है, कॉर्पोरेशन से तो संबंध नहीं है, पर मैं पर्सनल तौर पे आईएमटी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। करेंगे, आईएमटी लेके आने है, उसके बिना हमारा। आपको 2024 के जो चुनाव होंगे उसके लिए मजबूती मिलेगी? अरे दूर है बहुत 2024 के चुनाव, 4 साल पड़े हैं, मजबूती तो देखो। जी सर, देखिए मैं तो अंबाला की बात कर रहा हूँ कि अंबाला में बहुत अच्छी जीत हुई है हमारी, और सोनीपत में भी कांग्रेस की जीत हुई है। पंचकूला के रिजल्ट अभी आए नहीं है और ना सोनीपत के रिजल्ट शायद आगे, तो देखते हैं वहाँ भी पंचकूला क्या क्या रिजल्ट निकलता है। सर हाँ, वहाँ ज्यादातर आजाद प्रत्याशी जीते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। हर मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है अंबाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा, क्यों रुकावट डालेंगे, ठीक चलेगा हाउस। देखिए मैं इसके घमंड की बात नहीं करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र में उनकी सरकार है, अपने हरियाणा में उनकी सरकार है, विधायक उनका है, लेकिन मेयर अब जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी का है। मेयर बनने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जनता ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है और उन्होंने जनता से जो वादे किए वो उसे पूरे करेंगे। पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी और उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। आपको लगता है किसान आंदोलन एक मुद्दा रहा इन चुनावों में खास? बिल्कुल, किसान भाई हमारे ठंड में बैठे हैं वहाँ पर और उनकी मांगे मांगनी चाहिए, उनके साथ वार्तालाप होना चाहिए, कम से कम टेबल पे तो आना चाहिए ना सरकार को। कोई परेशानी नहीं आएगी, सबको साथ लेके चलेंगे। जी, जब आईएमटी का मुद्दा था उसको लेकर भी आपने बड़े वो संघर्ष हम जारी रखेंगे। केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी विधायक है, किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे आप? जब इच्छा शक्ति अच्छी हो, नियत से साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। वासियों का प्यार मिला है मुझे, ये जीत नहीं है, ये अंबाला वासियों की जीत है, ये अंबाला वासियों की ही जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। जी, जब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है कि जब वो ओथ दिलवाएंगे उसके बाद से ही कार्यकाल शुरू होगा। बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा अंबाला नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी हैं। आज घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की डॉक्टर वंदना शर्मा को 8,084 मतों के अंतर से हराकर ये रुतबे वाली कुर्सी प्राप्त की है। अंबाला से अमन, पंजाब केसरी टीवी। नया साल होगा, नया अंदाज होगा,
नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपर फास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।